तो इसके अंदर ये स्क्वायर लूप्स हैं, स्क्वायर लूप है, दो लूप हैं, ये ऐसे हैं, ये देख रहे हो, ये ऐसे लूप्स हैं। तो इसमें करंट दौड़ रहा है साइड्स पे ऐसे। आपको नेट कैपिटल एम निकालना है, क्या है पूरे सिस्टम का, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप बस मुझे ये बताओ कि करंट कैरिंग वायर है, इसका कैपिटल एम क्या होगा। तो तुम इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, देख रहे हो। तो एक हिस्सा कैसा आएगा ये देखो, तो आपका ये फिगर ऐसे है। तो इसमें करंट कैसे आ रहा है, इधर बोर्ड के बाहर आ रहा है, इस लूप में करंट ऐसे आ रहा है। तो अपने चार फिंगर लो, करंट के साथ घुमाओ, तो एम वेक्टर कहाँ आएगा, इधर आएगा। देखो ना, ये जो साइड है, करंट ऐसे आ रहा है, इधर आएगा। फिर नीचे देखें, नीचे करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, देख रहे हो, ऐसे आ रहा है, इधर से आता हुआ करंट ऐसे आएगा। तो चार फिंगर ऐसे घुमाऊंगा, एम वेक्टर नीचे आएगा। तो सोचो, इसकी वजह से एम वेक्टर नीचे है, इसकी वजह से एम वेक्टर इधर है, तो इधर और नीचे में एंगल 90, क्योंकि इसका एम वेक्टर इधर है, इसका एम वेक्टर नीचे है, तो लेफ्ट में और नीचे में एंगल 90। तो एम वेक्टर बनेगा। तो इसीलिए नेट जो आंसर आएगा इसका, वो आएगा अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस, सॉरी, अंडर रूट ऑफ एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, क्योंकि एक एम वेक्टर इधर है और एक एम वेक्टर नीचे है, और दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो रूट टू एम, और स्क्वायर एम का मतलब करंट इनटू एरिया। एरिया क्या है इसमें, एल स्क्वायर आंसर, करंट इनटू एरिया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कि कैसे आपने एक एम वेक्टर लेफ्ट लिया और एक नीचे लिया और उसका नेट वेक्टर आया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला बहुत आता है, बहुत नीट में आ चुका, मेंस में आ चुका, अब हर किताब में देखेंगे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बस इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर एक बात बता दो मुझे, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर या एम वेक्टर एक ही बात है। तो इसमें बी वेक्टर और एम वेक्टर में एंगल क्या है, 180। इसमें बी वेक्टर और एम वेक्टर में एंगल क्या है, 90। इसमें बी वेक्टर और एन वेक्टर में एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90। देखो ना, बी वेक्टर इधर, एम वेक्टर इधर, ऐसे ग्रेटर देन 90, और इसके अंदर लेस देन 90। वो क्वेश्चन पूछेगा, इस फिगर को देखते हुए मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस केस में आएगी बताओ। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब मानी जाती है जब पोटेंशियल एनर्जी प्लस है, पॉजिटिव है, और मिनिमम तब मानी जाती है जब वो नेगेटिव है, और नेगेटिव में बहुत नीचे की वैल्यू है। शुरू करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आज हमने किया, माइनस एम बी कॉस थीटा, सब पे लगा के देख लो, एक ही फॉर्मूला में आता है इसका, जिसमें एक एंगल यूज होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा आज हमने किया। तो बताओ, थीटा पहले केस में 180, फिर 90, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। तो जब 180, तो कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, और इससे बड़ी एनर्जी आ नहीं सकती, मैग्नीट्यूड में एम इंटू पी है, पता लग गया ये मैक्सिमम है। फिर नेक्स्ट केस में 90 के केस में कॉस 90 जीरो, एनर्जी क्या हो गई, जीरो। नेक्स्ट केस में ग्रेटर देन 90, कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पर इससे बड़ा फिर भी नहीं आ सकता, ये सबसे बड़ा है। और लास्ट में लेस देन 90 में ये टर्म पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो इसलिए नेगेटिव है, पोटेंशियल जी मिनिमम है, पॉजिटिव है, एम बी है, तो मैक्सिमम, तो फर्स्ट में मैक्स है और लास्ट में मिनिमम है, ऐसे चेक करना है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें,